आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, अपने टाइम का सही से यूज़ करना ही टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप अपने टाइम को सही से यूज़ कर पाओगे। टिप नंबर वन, हमें मल्टीटास्किंग बनना होगा। मल्टीटास्किंग मतलब हमारी डेली लाइफ में कोई भी ऐसे काम होते हैं जो हम एक साथ कर सकते हैं, ऐसे कामों को चुन करके आप अपने समय की बचत कर सकते हो। टिप नंबर टू, आप अपनी क्लॉक यानी घड़ी को 5 या 10 मिनट आगे रखें। अब मान लो आपको 10 बजे ऑफिस पहुँचना है और आपकी घड़ी 15 मिनट आ गया है, और आप मान लो घर से 9:45 पर निकले और आपकी घड़ी के हिसाब से अब टाइम हो गया 10:15, उस समय आप ऑफिस पहुँचे, लेकिन आप अपनी घड़ी के हिसाब से तो लेट हो, लेकिन ऑफिस की घड़ी के हिसाब से आप सही समय पर पहुँचे हो। ऐसा करने से आप कभी लेट नहीं होगे और हर जगह टाइम पर पहुँचोगे। टिप नंबर थ्री, आप रात को जल्दी सोने की कोशिश करिए। हमारी रोजाना की ज़िंदगी में फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, इसलिए मेरी सलाह है कि आप रात को फ़ोन को साइलेंस पर रखें जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन सुनाई ना दे और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आराम से सो सकें, और सुबह जल्दी उठें, और ताकि आपका अगला दिन बहुत ही एनर्जेटिक हो और आप उस दिन को सही से यूज़ कर पाओ। ये पॉइंट स्टूडेंट के लिए बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है। आप एक प्लान टाइम टेबल बना लें और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप उसे फॉलो भी करें। अक्सर स्टूडेंट अपने टाइम टेबल को बना तो लेते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं करते, वो एक दो दिन में उसे भूल जाते हैं और फिर उनको याद नहीं रहता कि उन्होंने कभी टाइम टेबल बनाया ही था। इसलिए टाइम टेबल को रेगुलर फॉलो करें। आप रात में जो आपके बहुत ज़रूरी काम हैं उनकी लिस्ट बना लें ताकि आप सुबह उठकर उन कामों को आसानी से कर सकें, और ध्यान रहे वो लिस्ट आपको अपने पास रखनी है और देखते रहना है कि कौन सा काम बचा है और आपको कौन सा काम करना है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और रिस्क टेकर मोटिवेशन चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो में और ऐसे टिप ट्रिक्स लाइफ हैकिंग, तब तक के लिए देखते रहिए द रिस्क टेकर मोटिवेशन।